शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 3 बच्चों की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत। स्थानीय लोगों ने शव निकालकर डॉक्टर पास पहुंचे। डॉक्टर ने तीनों बच्चों को मृत घोषित किया। तीनों बच्चे आपस में हैं भाई। तालाब में नहाते समय हुआ हादसा। थाना मदनापुर के बरुआ गांव की घटना। मुकेश कुमार की रिपोर्ट। कार तो तुमने जो बच्चों को डूबते हुए देखा, किसे बताया आपने? टेम्पो वाले को बताया। अच्छा अच्छा, फिर वहाँ कौन कौन गया? फिर अच्छा अच्छा, ये लोग डूब रहे थे तो तुम वहाँ से भाग आए? आप भी थे क्या साथ में? थे। अच्छा, तो क्या क्या बोर्ड लोग डूब रहे थे, आपने देखा था? अच्छा, कैसे डूब रहे थे वो? अच्छा, तो फिर आपने किसी को बताया वहाँ पे भागते हुए आए क्या? किसको बताया? टेम्पो वाले को बताया। अच्छा अच्छा, तो आपने घर भी बताया था किसी को? सावित्री जी, क्या घटना घटित हुई है कल जो बच्चा बता रहे हैं जी? खेलते खेलते चले गए, खेलते खेलते चले गए। आपसे क्या कह के गए थे वो? जो कल घटना घटित हुई है, तालाब में डूब के 3 बच्चों की मौत हो गई है, उसके प्रकरण में क्या कहना चाह रहे हैं? हम जब अपने घर पर बैठे थे तो गांव के लोगों ने कुछ चर्चाएं की कि तालाब में बच्चे डूब गए। मैं तुरंत जो है घर से अपने तालाब पर पहुंचा। तालाब जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास में है, उसकी गहराई काफ़ी थी। बच्चे वहां 4-5 बच्चे खेल रहे थे। खेलने के बाद जो है 3 बच्चे उसमें खेलते खेलते किसी तरीके से तालाब में गिर गए। तो 2 बच्चों ने गाँव में जानकारी दी जाकर के कि बच्चे जो है तालाब में घुसे हैं, तो सभी लोग सोचे कि पता नहीं क्या बात है। फिर कहने लगा कि बहुत देर से निकले नहीं हैं, तभी लोग समझे कि हो सकता है कहीं डूब डाब गए हों। तो गांव के लोग कुछ वहां मौके पर पहुंचे, उन्होंने देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया, एक बच्चे का जो है सर दिखाई दे रहा था। तभी तालाब में 2-3 लोग गाँव के थे, देवेंद्र और तेज राम, कई ऐसे लोग गांव के थे, कूद पड़े। तुरंत कूद के उन बच्चों को जब ढूंढा तालाब में तो देखा कि बच्चे 3 उसके अंदर हैं। निकालने के बाद उनको लाए, लाने के बाद जो है सोचा कि चलो जिला अस्पताल ले चलेंगे, हो सकता है बच जाएं। लेकिन जब तक गाड़ी तैयार की और उनको गाड़ी में रखा बच्चों को, तब तक जो है जलालाबाद तक वो खत्म हो गए। फिर एक प्राइवेट डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने उनको जो है बता दिया कि अब इन बच्चों में कुछ नहीं रहा, आप लोग इनको घर ले जाइए। फिर हम लोग जो है 6 बजे के लगभग में अपने घर पर ले आए। ले आने के बाद फिर हम पुलिस चौकी आए, थाना चौकी प्रभारी महोदय ने जो है तुरंत उनकी रिपोर्ट दर्ज की। दर्ज करने के बाद पोस्टमार्टम किया। अब जो है बच्चे पोस्टमार्टम हाउस में इस वक्त हैं, 4 बजे तक उनके आने की उम्मीद है। और हमने तुरंत लेखपाल साहब को सूचना दी, कानून गो साहब को दी, वो लोग फौरन मौके पर आए। आने के बाद उन्होंने जांच प्रक्रिया अपनी शुरू कर दी। जो भी शासन प्रशासन से, अब जो कुछ है शासन प्रशासन से बच्चों के लिए, बच्चों के माता पिता को आर्थिक सुविधाएं मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। सरकार से हम भी यही कामना करते हैं कि बच्चों के माता पिता को आर्थिक सहायता दी जाए। बहुत गरीब परिवार है, चाट पकौड़ी का दुकान करते हैं अपनी और मजदूरी का काम करते हैं जी। जो कल घटना घटित हुई है 4 बजे लगभग बताया जा रहा है, बरुआ पहना थाना मंदापुर, ये जो क्या नाम है सरकारी अस्पताल के पास जो एक बड़ा सा तालाब है उसमें 3 बच्चों की डूब के मौत हो गई, उनके लिए प्रशासन के द्वारा और मतलब क्या सहयोग किया जा रहा है? क्योंकि ये बच्चे हैं है ना, और नाबालिग उसमें आते हैं। हमारे नियम अनुसार और न्यू शासन आदेश के अनुसार जो भी जायज मदद है इनके हम करेंगे अतिशीघ्र। इसमें कोई लापरवाही
या किस तरह कोई भी हिला हुज्जत जो है वो होने का कोई चांस नहीं है, पूरे हम तत्पर हैं और जो है मौके पर वो करेंगे, ठीक है, मौके पर और मौके पर हम जांच कर चुके हैं, ठीक, ऐसी कोई इसमें वाली कोई व्यवधान नहीं आएगा, और रिपोर्ट हमने जो है अपनी तुरंत ही कल जो सूचना मिलते ही हमने अपने शासन को प्रेषित कर दी है, आगे की जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। सर, थाना मदनापुर क्षेत्र में 3 बच्चों के डूबने की सूचना है, सर क्या प्रकरण है? सर, मदनापुर थाना क्षेत्र में 3 बच्चे जो 10 से 12 साल के थे, एक ही परिवार रिश्तेदारी के थे, किसी तालाब में नहाने गए थे, उनके डूबने की सूचना थी, तो उनके परिजन निकाल कर उनको हॉस्पिटल ले गए थे जलालाबाद, जहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया था। इसकी सूचना थाने पर आई है और इस संदर्भ में आवश्यक पुलिस कार्रवाई भी की जा रही है और परिजनों की मदद भी।